आगे बढ़ते हैं खबर दिल्ली से समाचार प्लस पर। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, यूजीसी सर्कुलर पर सरकार से ठोस जवाब मांगा, ठोस जवाब नहीं मिला तो सदन नहीं चलने देंगे, यह कहा धर्मेंद्र ने। आरक्षण पर सपा बसपा की राय एक जैसी है, तीन तलाक पर क्रिमिनल एक्ट बनाने पर विरोध बरकरार है, दलित पिछड़े महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। संसद का मानसून सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है, क्या इस बार का सत्र भी हंगामेदार रहेगा या इसमें कुछ चर्चा भी होगी? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र जी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री ने अपील की कि तमाम आप जो मुद्दे उठाना चाहते हैं वो सदन में उठाएं और सदन चलने दें, समाजवादी पार्टी का क्या रवैया? देखिए, जहां तक सदन चलने का सवाल है, हमेशा समाजवादी पार्टी ने सदन चलाना चाहा, लेकिन सदन चलाने के बहाने लगातार अगर दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के, बुनकरों के, बेरोजगारों के अगर मुद्दों को दबाने का प्रयास होगा तो समाजवादी पार्टी कभी इस चीज का समर्थन नहीं करेगी। दो बड़े मुद्दे सदन में उठेंगे जिस पर आपकी पार्टी को अपना रवैया साफ करना पड़ेगा, एक तो तीन तलाक का मुद्दा चूंकि राज्यसभा में बिल लंबित है, और दूसरा राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर आप आगे बढ़िए, जिसका विरोध पहले मुलायम सिंह यादव जी कर चुके हैं, अब इन दोनों मुद्दों पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय है, जहां तक ट्रिपल तलाक का सवाल है, लोकसभा में जब इस समय पास हो रहा था पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का मौका मिला था, और पार्टी की स्पष्ट राय है कि इसमें जो 3 साल की सजा का प्रावधान है, चूंकि ये जो शादी का है एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको क्रिमिनल इश्यू बनाने की जरूरत नहीं थी। इस बारे में समाजवादी पार्टी ने अपनी बात सदन में रखी थी, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में भी चर्चा होना बाकी है। जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है, जहां मैं समझता हूं पार्टी ने पहले भी अपनी स्पष्ट राय रखी, महिला आरक्षण हो, जरूर हो, हम समाजवादी लोग महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, महिलाओं की तरक्की और खुशहाली के पक्ष में, महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिले इस बात के हमेशा पक्षधर रहे हैं। ऑलरेडी नेताजी के कार्यकाल में ही उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती राज की व्यवस्था लागू हुई, जिसमें दलित पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान है। यही समाजवादी पार्टी चाहती है कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की महिलाओं का भी इस बिल में प्रावधान हो, ये समाजवादी पार्टी की पहले से मांग चली आ रही और आज भी समाजवादी पार्टी अपनी इस मांग पर कायम है। जहां तक तीन तलाक की बात है, महिला आरक्षण की बात है, उस पर समाजवादी का स्टैंड जो पहले था वो अब भी बना हुआ है। नई दिल्ली से कैमरामैन लोकेश के साथ संतोष पाठक।